ईरान में बदलाव की ब्यार बह चली है। कट्टरपंथी विचारधारा को नकारते हुए वहां की आवाम ने ऐसे नेता को चुना है जो मुल्क की तरक्की की बात करता है, जो कुरान पढ़ाता है, साथ ही महिलाओं पर जबरन थोपे गए हिजाब कानून की मुखालफत करता है। चुनाव के दौरान औरत, जिंदगी और आजादी का मुद्दा जोर जोर से उठाता है। वो खुद को मॉडरेट बताते हुए हिजाब कानून की खिलाफत करने वाली लड़की की मौत पर कहता है, मुल्क में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए मैं धार्मिक स्कॉलर और मस्जिद बराबर की जिम्मेदार है। वो नेता जो अमेरिका को दुश्मन मानता है लेकिन बराए ईरान का समर्थक भी है। ट्विटर प्रोफाइल पर अपनी बायो में वो खुद को एक पति, पिता और दादा बताता है। वो नेता कोई और नहीं, मसूद पजश्कियान है। मसूद अब ईरान के 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। 5 जुलाई को हुए दूसरे चरण के मतदान में मसूद पजश्कियान ने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को तकरीबन 30 लाख वोटों से हराया। मसूद को 1,64,00,000 वोट मिले थे, जबकि जलीली को 1,36,00,000 वोट मिले थे। मसूद पजश्कियान डॉक्टर होने के साथ साथ कुरान भी पढ़ाते हैं। पजश्कियान सबसे पहले 2006 में तबरीज से सांसद बने थे। वे अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। 2011 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। 2012 में रईसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए पजश्कियान समेत बाकी उम्मीदवारों पर बैन लगा दिया गया था। 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी की मौत हो गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव करवाए गए थे। 28 मई को पहले चरण का मतदान में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर पाया था, जो कि चुनाव जीतने के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि पजश्कियान 42.5% वोटों के साथ पहले और जलीली 38.8% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। ईरानी संविधान के मुताबिक अगर पहले चरण के मतदान में किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता तो टॉप 2 उम्मीदवारों के बीच अगले चरण की वोटिंग होती है। इसमें जो कैंडिडेट बहुमत हासिल करता है वो देश का राष्ट्रपति बनता है। साल 1954 में ईरान के वेस्ट अजरबैजान प्रोविंस में मसूद पजश्कियान पैदा हुए थे। ये वही इलाका है जहां तैमूर के डर से बगदाद भागे लोगों के ने पनाह ली थी। पजश्कियान की मां कुर्द थी। मसूद ईरान के किंग रेजा शाह के दौर में सेना में शामिल थे। रेजा शाह ईरान के आखिरी राजा थे। इसके बाद ईरानी रेवोल्यूशन हुई और राजाशाही खत्म कर दी गई। 1980 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो मसूद ने जंग में घायल सैनिकों का इलाज किया। जंग खत्म होने के बाद मसूद कार्डियक सर्जन बने। बतौर डॉक्टर मसूद की जिंदगी बेहतरीन चल रही थी, लेकिन साल 1994 में कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है। परिवार ने मसूद पर दोबारा शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन मसूद ने साफ इनकार करते हुए बच्चों की अकेले परवरिश की। ट्विटर प्रोफाइल में मसूद खुद को एक पति, पिता और दादा बताते हैं। साल 1997 में मसूद पजश्कियान राजनीति में एंट्री करते हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं। मोहम्मद खतामी मॉडरेट नेता थे। उन्होंने भारतीय लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी ईरान फतवे को खत्म किया था। मसूद पजश्कियान पर भी खतामी के विचारों का काफी असर रहा। वो पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के भी करीबी रहे थे। कई डिबेट में मसूद हिजाब कानून का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि किसी को भी मॉरल पुलिसिंग का हक नहीं है। साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। इस दौरान मसूद पजश्कियान ने ईरानी सरकार के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि ये हमारी गलती है, हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को ताकत के जरिए थोपना चाहते हैं, ये साइंटिफिक तौर पर मुमकिन नहीं है। देश में जो भी हो रहा है उसके लिए मेरे साथ साथ धार्मिक स्कॉलर और मस्जिद सब जिम्मेदार हैं। एक लड़की को पकड़कर उसे मारने की जगह सभी को आगे आकर बदलाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। 2022 में उन्होंने ईरानी औरतों की आज़ादी के गाने और औरत जिंदगी आज़ादी को अपनी रैली में इस्तेमाल किया था। ये गाना ईरान में औरतों की आज़ादी के लिए चलाई गई कैंपेन बराए से लिया गया था। पजश्कियान ने बराए से प्रेरित होकर अपने कैंपेन का नाम बराए ईरान यानी फॉर द लव ऑफ ईरान रखा। ये कैंपेन सार्वजनिक जगहों पर किस करने और नाचने की मांग करता है। पजश्कियान ईरान में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF को लागू करने और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए नीतियां अपनाने पर जोर देते हैं। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है। यह अपनी सदस्य देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। ईरान 2019 से FATF की ब्लैकलिस्ट में है। इस जगह से IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी आर्थिक तौर पर ईरान की मदद नहीं करती है। उनके राष्ट्रपति बनते ही ईरान की सोशल पॉलिसीज में भी बदलाव आने की संभावना है। पजश्कियान को सत्ता ऐसे वक्त मिली है जब मिडल ईस्ट में जंग जारी है। ईरान पर आरोप लग रहे हैं कि वो लेबनान के हिजबुल्ला के जरिए इसराइल से प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। हालांकि पजश्कियान का इसराइल पर भी वही स्टैंड है जो उनके पहले के राष्ट्रपतियों का रहा था।
ऐसे में दोनों के रिश्तों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब भ्रष्टाचार, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, प्रेस की आजादी, पलायन रोकने जैसे नए मुद्दे छाए हुए थे। सबसे चौंकाने वाला चुनावी मुद्दा हिजाब कानून का है। 2022 में ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन और उसके बाद सरकार के द्वारा उसके दमन के चलते कई वोटर्स के जहन में यह सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हिजाब लंबे समय से धार्मिक पहचान का प्रतीक रहा है, लेकिन ईरान में ये एक राजनीतिक हथियार भी रहा है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में जब से हिजाब का कानून लागू हुआ था, तब से महिलाएं अलग अलग तरह से इसका विरोध करती रही हैं। ईरान के 6.1 करोड़ वोटर्स में से आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। जाहिर है हिजाब कानून का विरोध करने वाले मसूद पशकियान को चुनाव में फायदा मिला है। उन्हें महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला जिसके दम पर उन्होंने चुनाव जीता और अब मुल्क की बागडोर उनके हाथ में है। लेकिन ईरान में सर्वोच्च नेता आयातुल्ला खामनेई हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा वाले नेता हैं। ऐसे में हिजाब कानून खत्म करना मसूद पशकियान के लिए उतना आसान नहीं होगा। बहरहाल, हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल को। मेरा नाम दिपेश है, बहुत बहुत शुक्रिया।